सचिन और सुप्रिया पिलगांवकर एक साथ मना रहे हैं अपना जन्मदिन। सचिन और सुप्रिया पिलगांवकर एक साथ मना रहे हैं अपना जन्मदिन। 70 के दशक के मशहूर एक्टर हुआ करते थे सचिन पिलगांवकर। 17 अगस्त को सचिन का जन्मदिन होता है। वो 61 साल के हो गए हैं। सचिन ने अखिलियों के झरोखे से, शोले, नदिया के पार, सत्य पे सत्ता, त्रिशूल, बालिका वधू और गीत गाता चल समेत कई हिट फिल्मों में काम किया। नदिया के पार के चंदन के तौर पर वो बहुत मशहूर रहे। 2 दर्जन से अधिक फिल्में और कई टीवी शोज में काम कर चुके सचिन अब लाइमलाइट से दूर हैं। 17 अगस्त को 1957 में मुंबई में उनका जन्म हुआ था। 2 दर्जन से अधिक फिल्में और कई टीवी शोज में काम कर चुके सचिन अब लाइमलाइट से दूर हैं। आपको बता दें कि वे न केवल हिंदी बल्कि मराठी सिनेमा के भी बेहतरीन एक्टर माने और कहे जाते हैं। 1962 में जब वे 4 से 5 साल के थे तो उन्होंने मराठी फिल्म हा मजा हमारा गैकला से और चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था। सचिन जब 28 साल के थे तब वे 18 साल की सुप्रिया को अपना दिल दे बैठे थे। 1984 में आई मराठी फिल्म नवरी मिले नवरयाला की शूटिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। यहीं उन्हें अपने से 10 साल छोटी सुप्रिया से प्यार हो गया था। एक और दिलचस्प बात यह है कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है। दोनों की शादी को 30 साल हो चुके हैं। उनकी एक बेटी भी है जो फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू भी कर चुकी है। सचिन और सुप्रिया ने नच बलिए शो में भी हिस्सा लिया था और दोनों ही शो के विनर रहे थे। सचिन सुप्रिया की बेटी श्रिया पिलगांवकर फिल्म फैन में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने वेब सीरीज मिर्जापुर में भी अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही वो कई विज्ञापनों में भी काम कर चुकी हैं। मम्मी पापा की तरह वो भी एक्टिंग में करियर बनाना चाहती हैं। फिल्मों के साथ साथ सचिन टीवी पर भी काफी लोकप्रिय रहे। 2006 में वे दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक तू तोता मैं मैना में नजर आए। यह शो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय था। अपने करियर में उन्होंने तकरीबन 20 फिल्मों का निर्देशन भी किया।